प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला वाराणसी दौरा है। पीएम ने वाराणसी का जयापुर गांव को गोद लिया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत पीएम ने इस गांव को गोद लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जयापुर गांव को इसलिए गोद लेने का फैसला किया है क्योंकि जब मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा था तब सबसे पहले बनारस के जिस गाँव का नाम मैंने सुना वो जयापुर था। गौर हो कि पीएम ने जयापुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद गांव को गोद नहीं ले रहा है बल्कि सांसद को गांव गोद ले रहा है। मैंने पसंद किया उसका एक बहुत छोटा सा कारण है और छोटा कारण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना था। तो ये कारण था जिसके कारण मेरे दिल दिमाग में जयापुर ने जगह ले ली थी। आपको बता दें कि वाराणसी का जयापुर में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं वाराणसी में अपनों के बीच आया हूं। मोदी ने लोगों से अपील की कि आप अपने सुझाव दीजिए कि कैसे सांसदों को काम करना है। पीएम ने लोगों से ये भी अपील की कि जयापुर गांव को गंदा ना करें। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।